जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार, जो सबकी आजकल की जनरेशन की फेवरेट कार बन चुकी है। मोस्टली सबकी फेवरेट कार होती है महिंद्रा थार, और यहाँ हमारे सामने मोस्ट फेवरेट कलर और रोड प्रेजेंस इस गाड़ी की तो क्या ही बताएं, बहुत ही तगड़ी है ये। हम इस टाइम ऑटोमेटिक है। फ्रंट प्रोफाइल से बात करेंगे। फ्रंट में आपको कोई भी लोगो देखने में मिलता, सिर्फ महिंद्रा लिखा हुआ मिलता है सिल्वर में। आगे ग्रिल मिल जाती है ब्लैक कलर की, यहाँ पे भी थार लिखा हुआ मिल जाता है, ब्लैक कलर का बम्पर मिलता है पूरा। आप देख रहे हो कितनी हैवी सी लग रही है। सब 4 मीटर कार आती है ये, आप देख सकते हो इसकी। साइड प्रोफाइल की बात करें, फेंडर पे यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है आपका, ये पूरा क्लैडिंग मिल जाती है चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की। टायर प्रोफाइल की बात करें, सीएट का आपको हैवी सा टायर मिलता है। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो आपको 255/65 R18 inches का सीएट के टायर के साथ अलॉय मिल जाता है, जिसमें नया महिंद्रा का लोगो मिल जाता है चिड़िया, और थार की आपको बैजिंग मिल जाती है अलॉय पे भी। साइड से बात करें तो साइड पे यहाँ पे भी आपको थार मिल जाता है। डोर्स को आप देख सकते हो, हिंजेस बिल्कुल दे रखे हैं बाहर की तरफ, अलग ही ओल्ड स्कूल जैसा फील देगी। ORVM बड़े चौड़े चौड़े दे रखे हैं, उस पर भी थार की बैजिंग दे रखी है। और आप साइड प्रोफाइल देख सकते हो, ब्लैक कलर के आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, बॉडी कलर नहीं मिलते हैं, ब्लैक डॉट मिलते हैं। ये यहाँ पे चेंज हो गया, RWD रियर व्हील ड्राइव मिलती है आपको ये गाड़ी 4x2। आप चेंज करवाना हो चेंज करवा सकते हो, ज्यादा से 250-300 रुपए का 4x4 का। वैसे बात करें तो थार तो 4x4 में अच्छी लगती है, क्योंकि जो थार है वो ऑफ रोडिंग व्हीकल है, और ऑफ रोडर 4x2 में कभी नहीं कर पाओगे, ये तो ओनली सिटी पर्पज से है। 4x2 में आपको ऑफ रोडिंग वाला फील नहीं आ पाएगा। 5 आपको अलॉय मिल जाते हैं 4 गाड़ी के 5 में, ये वाला C8 का टायर मिलता है आपको। जो 4x4 में मिलता था वो MRF का टायर मिलता था, बट MRF की टायर की प्रोफाइल अच्छी है। C8 का भी आप कंपेयर करोगे, वो थोड़ा MRF का अपर पड़ता है, बट C8 का थोड़ा सस्ता पड़ता है, बट प्रोफाइल दोनों की सेम है। आपको चारों के चारों 18 इंचेस के टायर मिल जाते हैं विद अलॉयस, चारों अलॉय मिलते हैं, कोई भी स्टेपनी नहीं मिलती। लाइट्स देखोगे तो आपको लाइट्स शोरूम से ये वाली नहीं मिलती है, कस्टमाइज कराई गई है। पीछे आपको डिफॉगर मिल जाता है, और ये देखो ऑटोमेटिक का लोगो कितना सही लग रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। पीछे आपको एक कैमरा भी मिल जाता है, आप देख सकते हो कैमरा। भाई एक बार इसके लुक्स तो देखो, कितने सेक्सी लग रहे हैं। साइड में चलते हैं, ये आपको डोर पे हिंजेस मिल जाते हैं, यहाँ पे भी ORVM मिल जाता है जिसमें बड़ा बड़ा थार मिल जाता है। ये आपको एक एंटीना टाइप मिल जाता है, ये M Stallion 15.0 TGD। भाई आप इसमें जो इंजन मिलता है उसमें आप एवरेज का तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो पावर जनरेट करता है इंजन वो नेक्स्ट लेवल करता है, तो एवरेज का कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ेगा। फ्रंट में अगर लाइट का सेटअप की बात करें, पूरा सेटअप आपको हैलोजन मिलता है, 2 आगे मिल जाती हैं, और फॉग लैंप मिल जाते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाते हैं, आप देख सकते हो। ये आपको बोनेट पे थोड़ा दोनों साइड हिंजेस से मिल जाते हैं, ओल्ड स्कूल सा फील देंगे आपको, बट देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। बूट इस लाइट्स इसकी वो कराए रखी है, लाइट्स इसकी कस्टमाइज करा रखी हैं, किसी ओनर की गाड़ी है। बूट स्पेस की बात करते हैं, सब 4 मीटर कार है, बूट स्पेस ओके ओके मिल जाता है, इतना अच्छा भी नहीं बोल सकते, इतना बुरा भी नहीं बोल सकते। काफ़ी हैवी सा आपको मिलता है एकदम, एक तो टायर लगा हुआ है बूट पे, इसके पे बूट जो थर्ड डोर है, एक तो टायर लगा हुआ है, इससे काफ़ी हैवीनेस आ जाती है इस डोर पे। इसे आप ऊपर एक हाथ से ऊपर कर सकते हैं, हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं आपको, कोई भी हाथ से बार बार ऐसे ऊपर नहीं करना पड़ेगा, बस 1 टच अपने आप ओपन हो जाएगा। ये डिफॉगर की वायरिंग मिल जाती है आपको, ये हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। आप ये गलती कभी मत करना, पहले ये लगा दो फिर उसके बाद ये लगाओ, टूट जाएगा और आपका खामा कम से कम 8-10 हज़ार का नुकसान हो जाएगा, तो पहले आप आराम से ये लगाओ उसके बाद ये वाला डोर बंद कर दो। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक की बैजिंग मिल जाती है, पीछे से भी आप खोल सकते हैं इसको। ये पीछे लैंप्स, पता नहीं लैंप्स मिलते क्या मिलता है पीछे की तरफ, ये आपको कैमरा मिल जाता है यहाँ पे, 360 नहीं मिलता इसमें, ओनली पीछे मिलता है। आई थिंक बाहर से तो पूरी गाड़ी कवर अप हो गई है, अंदर से अब हम इस गाड़ी की बात करते हैं, तो पहले चाबी को देख लेते हैं। चाबी कैसे मिलती है आपको? चाबी वही आपको जो स्कॉर्पियो वगैरह में मिलती है, पीछे न्यू तितली का लोगो, और आगे से आप देख सकते हो लॉक, क्या आपकी जमी अनलॉक,
और ये कहीं आपकी जैसे मान लीजिए गाड़ी पार्किंग वगैरह में खड़ी है, आपको देखनी है मतलब नहीं मिल रही आपको, तो आप मिडल वाला बटन दबा दीजिए, लाइट्स और हॉर्न आपको बजने लगनी है और इसी से आप ऑफ कर सकते हैं इसको। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं गाड़ी आपको क्या क्या प्रोवाइड करती है। डोर की बात कर लेते हैं, डोर आपको पूरा ब्लैक मिलता है, लॉक मिल जाता है, ये ग्रे सी फिनिश मिल जाती है, पट्टी मिल जाती है आपको जिस पर थार लगा रहता है, काफी लुक इनहेंस करती है डोर का, काफी अच्छा लगता है डोर। नीचे कप होल्डर मिल जाता है आप, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, ये उसके ORVMs के कंट्रोल है, मिरर को आप अंदर से एडजस्टेबल कर सकते हो पर ऑटोमेटिकली ORVMs नहीं मिलते हैं, वो आपको हाथ से एडजस्ट करने पड़ेंगे, वो आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलते हैं, ये हाथ से एडजस्ट करने पड़ेंगे, ये आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। अंदर की बात करें, अंदर आपको सीट्स मिल जाती हैं जो काफ़ी, इस पर कवर चढ़ा हुआ है और वेल एंड गुड कवर चढ़वा लेना चाहिए क्योंकि वो सीट्स कुछ टाइम ही सही लगती हैं फिर गंदी हो जाती हैं, इस पर तो सब पूरा काम, ये किसी कस्टमर की गाड़ी है आई थिंक, क्योंकि इस पर सारा काम हो रखा है, लाइट्स भी कस्टमाइज हैं, आपके नीचे मैटिंग्स भी डली हुई हैं, सब काम हो रखा है इस पर। चलिए अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है आपको, अंदर अपने हिसाब से एडजस्टेबल करते हैं। तो चलिए की लगाते हैं इस गाड़ी की और देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है आपको। एसी हो गया चालू, ओए होए ओए थार, तो आपको एसी वेंट मिल जाता है जो कि कस्टमाइज है, आप देख सकते हैं लाइट्स चल रही हैं आपको रेड ब्लू ग्रीन, जो काफी देखने में अच्छा लगता है, लुक्स एनहेंस करता है, आप करवा सकते हो बाहर से क्योंकि कंपनी से तो कुछ भी नहीं मिलता। मीटर की बात करें एनालॉग मिलता है, बीच में आपको एक MID मिल जाती है, ये RPM मीटर मिलता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है और बीच में एक अच्छी खासी MID मिल जाती है, छोटी मोटी नहीं मिलती है। इधर वाइपर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं, इधर लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं, इधर भी आपको कुछ लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। स्टीयरिंग की बात करें काफ़ी आपको अच्छा मिलता है, लेदर रैप नहीं मिलता है, आप बाहर से करवा सकते हो पर काफ़ी अच्छा मिलता है, सिल्वर सेटन सी फिनिश मिलती है, बीच में महिंद्रा का लोगो, आपको इसका एक बार हॉर्न सुनाता हूँ, हॉर्न काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं स्टीयरिंग पे, ये कुछ वॉल्यूम अप एंड डाउन के कंट्रोल्स हैं, इधर देख सकते हैं आप इधर इसके कंट्रोल्स, चारों एसी वेंट्स आपको कस्टमाइज मिलते हैं इसमें, वो बाहर से करवाएं मिलते नहीं हैं आपको, एक बीच में स्क्रीन मिल जाती है, ठीक ठाक स्क्रीन मिल जाती है, नो डाउट इतनी अच्छी भी नहीं, और ये आपको हाथ से एडजस्टेबल मिलता है ORVM पीछे का। सनवाइजर की बात करें इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, उधर की बात करें उधर आपको एक मिरर मिल जाता है, एक अच्छा सा ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर आपको महिंद्रा की तरफ से कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं, आप देख सकते हो मॉडल सीरियल नंबर मेड इन इंडिया विद प्राइड महिंद्रा थार। इधर छुटकू सा ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता आपको ग्लोव बॉक्स। कंट्रोल्स की बात करें ऑटोमेटिक आपको एसी नहीं मिलता है, हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये इंडिकेटर का मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं ये सारे जल चुके हैं, काफ़ी लुक मतलब बटन्स जो हैं बिल्कुल एकदम प्रीमियम फील देती हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल हिल होल्ड कंट्रोल सब आपको यहाँ पे मिल जाता है, ऑटोमेटिक गियर नॉब मिलता है पियानो ब्लैक की फिनिश के साथ जो काफ़ी लुक एनहेंस करता है। 4x4 और 4x2 में यही अंतर है, यहाँ पे 4x4 का आपको एक गियर मिलता था वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता, अगर आपको पता लगाना है कि ये 4x4 है या 4x2 है तो सीधे आप यहीं पे देख लीजिए, यहाँ से गियर हटा दिया क्योंकि 4x2 है। इधर स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है ये आप देख सकते हैं। इसकी डायमेंशंस की बात करें तो आपको 1855 mm की इसकी चौड़ाई मिलती है और 2450 mm का इसका व्हील बेस मिलता है और 226 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वही पहले वाली थार के बराबर जो कि काफ़ी। ब्रेक्स की बात करें आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, आप देख सकते हो आगे आपको डिस्क ब्रेक है और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड करी हैं। रियर व्हील ड्राइव है, गाड़ी से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल एक डेजर्ट वाला फील, महिंद्रा पीछे दो कैमल, कितना प्यार लगता है देखने में। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इससे रिलेटेड, मैं अभी यहाँ पर आगरा में खड़ा हुआ हूँ, आगरा के महिंद्रा के शोरूम में खड़ा हूँ जो कि आपका लोकेशन पड़ जाती है रौनकता रोड पर, कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए आप शोरूम में आके ले सकते हैं।
अगर आपको वैसे भी कोई जाननी है डिटेल्स तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स। प्राइस से रिलेटेड बात करूं तो ये अराउंड 13,50,000 समथिंग की मिलती है, प्राइस डिफर करते रहते हैं। वेटिंग पीरियड की बात करूं तो इस गाड़ी पर वेटिंग पीरियड है कम से कम 1 साल का। अब आपकी 1 साल से ऊपर का ही है, 1 साल से नीचे का नहीं है। अब इस गाड़ी की आप हाइप देख ही सकते हो, वेटिंग पीरियड 1 साल से ऊपर का है तो कितने मतलब कितनी हाइप बनी हुई है। एक थार, ये आपको दिखाता हूं मैं, थार XUV300 स्कॉर्पियो N XUV700 महिंद्रा की गाड़ी, इसकी बात ही अलग है। महिंद्रा की गाड़ी एकदम रोड प्रेजेंस में तो ऐसे लगती है बिल्कुल जैसे चार गाड़ियों के बीच में एक या अकेली भी चले जाए ना तो अलग ही निखरेगी ये। तो चलिए, बाय बाय, टाटा।